मनु तिर्की को क्या लगता है कि सचमुच में रूपा की हत्या हुई है, और जिन बड़े लोगों का नाम इसमें आ रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, क्या लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट सही में इस मामले में है? जी, इसी बीच जो 11वां मंत्री है उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है, आपका भी नाम चर्चा में आ रहा है कि नाम शामिल हो सकते हैं, क्या इसको लेकर कभी कुछ बात? नहीं, सबसे पहली बात तो अभी हमारा जो लेजिस्लेटिव का जो स्पीकर के तरफ से मान्यता ही नहीं मिला है अभी, अब कितना दिन में मान्यता मिलेगा भगवान जाने हम लोगों का, हम लोग तो इसी में भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर कभी पछतावा होता है कि बेकार आ गए काम? खुद हमारे बड़े नेताओं को इस पर, राष्ट्रीय नेता से लेकर सारे लोगों को इस पर ये करना चाहिए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। पूर्व की सरकार की तरह जब उस समय 5 साल वो लटका करेगा, आप भी उसी रास्ता में आप भी अगर लटका कर रखना चाहते हैं तो ये तो उसमें और आप में क्या अंतर है, ठीक बात नहीं है। तो ये अगर आप डिसीजन मेकिंग में रहते तो JPSC को लेकर क्या निर्णय? पदाधिकारियों पर होना चाहिए कार्रवाई, मजाक बना कर रखा है क्या स्टेट को? सवाल, आप डिसीजन मेकिंग में रहते तो रोजगार को लेकर क्या करते, जिस तरह से युवा सवाल? तो ऐसे सुझाव जो मुख्यमंत्री को आप देना चाहिए, कोरोना संक्रमण के दूसरे वेव के दौरान कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया, कई ऐसे हैं जो पर्दे के सामने आकर, और कई ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी राजधानी रांची में बेहतरीन काम किए, उसी में से एक हैं मांडर के विधायक बंधु तिर्की। बंधु तिर्की अपनी पूरी टीम के साथ जब कोरोना का दूसरा वेव चरम पर था कि किस तरह रिम्स में या फिर अन्य अस्पतालों में मरीजों को बेड मिल सके, वो लगे हुए थे, इनके साथ सरताज जैसे लोग काम कर रहे थे। इस वक्त विधायक बंधु तिर्की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर लौटे हैं, उनसे बात करते हैं झारखंड की तमाम राजनीतिक हलचल पर, क्योंकि कोरोना संक्रमण जैसे जैसे कम हो रहा है झारखंड में राजनीतिक पारा भी अब धीरे धीरे चढ़ते जा रहा है, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर BJP सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो रूपा तिर्की का मामला हो या JPSC का मामला हो या फिर TSC का मामला हो या फिर किसानों का मामला हो। बंधु तिर्की जी, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने अच्छा काम किया, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री से जो आज मुलाकात हुई, किन किन मुद्दों पर बात? माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हमारी मुलाकात हुई, सबसे पहले मैंने उनको प्रति आभार व्यक्त करने के लिए गया था कि रूपा तिर्की प्रकरण में उन्होंने जुडिशरी जांच का जो निर्णय लिया है और 6 महीना के अंदर में पूरा जांच कर लिया जाएगा, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा साहसिक कदम है, अच्छा निर्णय है। हालांकि थोड़ा विलम्ब हुआ है, इसको थोड़ा पहले करना था, लेकिन चलिए देर से ही सही निर्णय उन्होंने लिया है। अब से रूपा तिर्की के माँ बाप को न्याय निश्चित रूप से मिलेगा, रूपा के साथ न्याय होगा। कह रही है कि इससे नहीं होगा, CBI जांच की मांग वो लगातार करती रही थी, अभी भी कह रही है कि CBI जांच होनी चाहिए। देखिए, सरकार सरकारी होती है, आप CBI जांच की मांग करेंगे, कुछ और मांग करेंगे, लेकिन सरकार जो अपनी जो एजेंसी है सरकार की, अपने सिस्टम, न्यायिक जांच की भी बात शुरू में बात आई थी, उच्च स्तरीय जांच की बात, उन्होंने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, तो इसे BJP वाले हमारे साथी लोग इसमें रूपा को कैसे न्याय मिले इस दिशा में होना चाहिए और विश्वास करना चाहिए सरकार में। सरकार जांच कर रही है तो उसको, अब उनका जो निर्णय आया तो इसको स्वागत करना चाहिए, इसमें सियासत करने से कुछ होने जाने वाला उनको नहीं है। इसलिए मैं उन साथियों का कहूँगा, हम भी सुने हैं कि आई वास ये सब चीज़ें बोला जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील भी हैं और एक बींग ए ट्राइबल वो इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, उनमें भी चिंता है, वो हर हालत में चाहता है कि रूपा तिर्की के साथ न्याय हो, रूपा तिर्की के परिवार वालों को न्याय मिले, और इस जांच में जो भी इसमें होगा उसको दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। रूपा तिर्की
क्योंकि मामले को आप शुरू दिन से ही देख रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही परिजन पहुँचे आप जाके उनसे मुलाकात किए। बंधु तिर्की को क्या लगता है कि सचमुच में रूपा की हत्या हुई है और जिन बड़े लोगों का नाम इसमें आ रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, क्या लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट सही में इस मामले में है? देखिए, वीडियो फुटेज वगैरह जो देखने के बाद ही संदेहात्मक लगता है, इसीलिए आत्महत्या नहीं, मैं इसको शुरू से ही हत्या की साजिश मान रहा हूँ। और इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके भी, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके भी मैंने इसको जांच करने का मांग किया था कि भाई आप सीबीआई जांच करा लें, न्यायिक जांच कराएं। ये बात, दोनों बात हमने कहा था। अंत तक मुख्यमंत्री लेट हुआ, देर हुआ, लेकिन उन्होंने न्यायिक जांच का आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिया गया है। जहाँ तक उनके जो प्रतिनिधि का मामला जो आता है, देखिए किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप लगा देने से वो आरोपी नहीं होता है। अब तो न्यायिक जांच है, तो न्यायिक जांच में विशेषकर आपको पूरे हमारे भारत देश में जुडिशरी व्यवस्था पर बहुत विश्वास और आस्था लोगों को रहता है। और जिस व्यक्ति के जिम्मेवारी दिया गया है, काफ़ी अनुभवी, दो तीन स्टेट में आपके जज रह चुके हैं, तो जो जांच जो होगा न्यायिक जांच, तो अगर कुछ ऐसे लोग अगर कहीं पर ऐसे लोगों का अगर कहीं संलिप्तता होगी तो निश्चित रूप वो लोग इस घेरे में आ जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा सियासत ना करते हुए जांच का जब आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, 6 महीने के अंदर जांच कर दिया गया है, तो उनको सराहना किया जाना चाहिए और जांच को बेहतर हो इसके लिए उसे आग्रह किया जाना चाहिए, सराहना की जानी चाहिए। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि ये एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है, तो सवाल भी है कि साजिश में कौन लोग शामिल है? इसके लिए तो न्यायिक जांच है, लेकिन पंकज मिश्रा का जो नाम आ रहा है, क्या सचमुच में उनका इन्वॉल्वमेंट? जो उनका जो वीडियो फुटेज आता है, दिखता है, उनके फुटेज के मुताबिक साफ जो लगता है पूरा, इसलिए मैंने जो वीडियो फुटेज देखा तो वो हत्या का साजिश लगता है। अब इस पर क्या है कि इसमें क्या है, ये तो जांच के क्रम में ना आएगा, इसी के लिए ना जांच का मांग किया जाए। लेकिन न्यायिक जांच कराना ये मुख्यमंत्री जी का साहसिक कदम है, ये सही दिशा में काम होगा और हमको लगता है कि इस न्यायिक जांच से दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ रूपा नहीं बल्कि अन्य मसलों पर भी बात हुई होगी। अभी जिस तरह से 6ठी JPSC के मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया गया, रोजगार झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, क्या बंधु तिर्की ने इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं? इसके साथ मैं रूपा के बारे ही कहूँगा कि भाई उसके लिए मैंने ये भी कहा कि हम जो कहेंगे कि उनके परिवार वालों को एक सम्मानजनक राशि भी हो दिया जाए और साथ साथ में उनके आश्रित को नौकरी देने की मांग हमने किया। और चूंकि ट्राइबल है, ऐसे भी आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, पेट्रोल पंप वगैरह के भी अनुशंसा आपके द्वारा किया जाना, ये भी मैंने आग्रह उनसे किया है। अब रही JPSC का मामला, JPSC में हमने पत्र लिखा है कि चूंकि 6 JPSC का आपका रिजल्ट निकला, आपका 6ठी JPSC का भी रिजल्ट निकला पूरा, तो जब से राज बनने के बाद JPSC का रिजल्ट निकला, पूरे सब विवादास्पद रहा है, विवाद में रहा है पूरा, और इसे राज की पूरी बदनामी हुई है, पूरे यहाँ नहीं देश भर में बदनाम हुई है। बीच में हमें लगता है कि शायद CBI का भी जांच का जो हुआ था उसमें हुआ था पूरा, तो बदनामी हुआ है। ये जो मेरिट लिस्ट अभी बना है, हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा है, दे दिया उसके बारे में, कि ये मेरिट लिस्ट बनाने वाले जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सेक्रेटरी हैं, जो भी सदस्य हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट दैट मीन्स कि उनका सिग्नेचर से ही मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, तो क्यों ना ऐसे पदाधिकारी को पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उनको कहीं पर पद में है तो उनको हटा करके अविलंब उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए। चूँकि छोटे लोगों को जब भी अमूमन देखा जाता है तो छोटे कर्मचारी को आपका दंडित कर दिया जाता है, बड़े पदाधिकारी बच जाते हैं। अभी इसी में जो पदाधिकारी था
वो पदाधिकारी को टर्म पूरा हो गया जेपीएससी से, तो इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। तो ये तमाम चीज़ों पर जो भी पदाधिकारी जब से गड़बड़ी हुई है, ये सब ऐसे लोगों पर पूरा कार्रवाई होनी चाहिए, जांच करके जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सजा देना चाहिए। और तभी आपका जो जेपीएससी में आप विश्वसनीयता जो हुआ है, बदनामी हुआ है, इससे हम बच पाएंगे। ये राज्य के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा के जैसा है। और इस तरह से जो मैंने राज्य में राज का सबसे बड़ा एक ये है आपका आयोग है, और वहाँ पर ऐसा होना, ये राज का तो बदनामी है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो जेपीएससी की जो ये हाईकोर्ट है मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया, सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, और आप देख रहे होंगे कि चाहे पंचायत सचिव का हो या फिर जेटेट का हो, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अब लोग बोलने लगे हैं कि नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था लेकिन यहाँ तो नियुक्तियाँ छीनी जा रही है। क्या लगता है कि सरकार रोजगार देने के मसले पर विफल हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने देखा हुआ सरकार बनने के बाद 2020 में ही कोरोना आ गया, आपका फर्स्ट पहला कोरोना आया, और उस कोरोना से सारे लोग पूरा प्रभाव बहुत प्रभाव जो स्थिति था। अब जब सारे चीज़ों को 2000 सब चीज धीरे धीरे सरकार संभल ही रही थी, तो आपका 2021 में भी कोरोना का दूसरी लहर आ गया और इससे प्रभावित हुआ है, काम काज में पूरा प्रभावित है, विकास काम में प्रभावित हुआ है, नो डाउट। लेकिन सरकार की जो मंशा है, घोषणा है, नियत है, उसमें साफ है जो परिस्थिति है। देखिए, चाह करके भी जो स्थिति बन रहा है, जो स्थिति है, वो चीज़ को नहीं किया जा सकता था। जो हालात था, कितने लोग मरे गए, बहुत साथियों, बहुत लोगों को हम लोग खोए, अपनों को खोए पूरा कोरोना काल में। तो इसलिए इस तरह की बात नहीं है, सरकार का नियत साफ है। सामान्य होते ही आपका निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इसको, ये जो नियुक्ति है उसको, वो काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको भी चिंता है, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनके घोषणा किया है, चुनाव में फिर उनको जाना है। ऐसे नहीं कि 60 साल के तो नहीं आए हैं, 5 साल के बाद जाना है, तो उतना है, यंग है, डायनामिक है, ऊर्जावान है, तो इतना जल्दी जो वादा किए हैं उसको भूलेंगे तो नहीं। लोग थोड़ा धीरज रखें लेकिन परिस्थिति को समझें। और कभी देखें कोरोना काल में जैसे काम उनके द्वारा किया गया, उनके टीम के द्वारा किया गया, चाहे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए, चाहे आपका कोविड वार्ड बनाने के लिए, बहुत सारे चीज़ें, ये देश में भी इसका सराहना किया गया, तो प्रयास है। इसलिए हम लोगों को लेटेस्ट अभी वेट करना चाहिए, पूरा ही करा के इंतज़ार करना चाहिए, और हमें विश्वास है कि ये सरकार, गठबंधन की सरकार, जो वादा किया है, जो चुनावी मैनिफेस्टो में था, एजेंडा में था, उसको पूरा करेगी। चूँकि इस तरह का जो परिस्थिति आने से थोड़ा निश्चित रूप से उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है और लोगों में कई तरह की बातें उसमें उठ रही है। बाबू जी, इसी बीच जो 11वां मंत्री है उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है, आपका भी नाम चर्चा में आ रहा है कि नाम शामिल हो सकते हैं, क्या इसको लेकर कभी कुछ बात? हम देखिए, मेरा आप मेरे बारे ये पूरे खुली किताब मैं हूँ, लोग जानता है, मैं इस सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मैंने उम्मीद मैं नहीं रहता हूँ, अब मैं ये नहीं करता, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। 12वां हो कि 11वां हो कि 13वां हो, मंत्री हम मंत्री नहीं भी हैं, लेकिन आप सभी लोगों की कृपा से, जनता के कृपा से, ईश्वर के कृपा से, जो काम जनता के बीच में हम के लिए हम जाते हैं सरकार के पास, वो काम होता है। हम तो आए हैं तो जनता का काम के लिए है ना। मंत्री, हाँ, मंत्री बनने के बाद थोड़ा राजहित में बहुत सारा निर्णय लेना पड़ता है, काम करना अवसर मिलता है, तो जब अवसर मैंने लोगों को, किसी को अवसर, अब हम ही को अवसर मिलेगा, तो निश्चित रूप से कोई भी अवसर को तो खोना नहीं चाहेगा। तो अगर ऐसा मौका आएगा तो देखा जाएगा, पार्टी को निर्णय लेना है, उसको केंद्रीय हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं को लेना है, तो इस सब चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा मैंने जिसको कहा जाए कि उम्मीद में हम बैठे हुए हैं। सो ऐसा नहीं, सबसे पहली बात तो अभी हमारा
जो लेजिस्लेटिव का जो स्पीकर के तरफ से मान्यता ही नहीं मिला है अभी, अब कितना दिन में मान्यता मिलेगा भगवान जाने हम लोगों का, हम लोग तो इसी में भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर कभी पछतावा होता है कि बेकार आ गए काम? नहीं, पछतावा नहीं होता है, लेकिन टू थर्ड हम लोग हैं तो बेकार, जब हम सारे हमारा हम ये हैं, हम कहीं भी 10th शेड्यूल का उल्लंघन नहीं हुआ है, हम लोग तीन थे दो एक साथ हैं, तो 10th शेड्यूल का उल्लंघन कहीं नहीं हुआ किया गया है, तो ऐसे में हम लोगों को लटका के फंसा के रखना थोड़ा तकलीफ तो होता है, लेकिन क्यों आए नहीं आए ये बात नहीं, तकलीफ होता है कि भाई जो भी निर्णय माननीय स्पीकर महोदय को ले लेना चाहिए, या तो हम लोगों को मान्यता दे देना चाहिए या तो रद्द कर दे, फिर चुनाव में जाना होगा तो जाएंगे चुनाव में, लेकिन इस तरह से मैंने 10th शेड्यूल का बिना कहा, मैंने कि वो मजाक टाइप का लगता है, ठीक बात नहीं है, इसका थोड़ा तकलीफ तो होती है। बोलते नहीं है क्योंकि सरकार की बात तो स्पीकर से होती होगी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बात माने, हम लोग ने बोला है, बात भी किया है, खुद हमारे बड़े नेताओं को इस पर, राष्ट्रीय नेता से लेके सारे लोगों को इस पर ये करना चाहिए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। क्या मन करता है? मन क्या करेगा, तकलीफ होती है कि भाई आखिर क्या ये है, मैंने कहाँ ये है, मैंने क्या क्या गलती है जो आप ये, और अगर ऐसा आपको लगता है तो हम लोगों को सदस्यता से ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे तब ना ये होगा, लेकिन इस तरह से आप पूर्व की सरकार की तरह जब उस समय 5 साल वो लटका करेगा, आप भी उसी रास्ता में आप भी अगर लटका कर रखना चाहते हैं तो ये तो उसमें और आप में क्या अंतर है, ठीक बात नहीं है। तो ये कि बाबूलाल से बदला लेने के लिए आप लोग कुटाने, आप क्या कर रहे हैं उसको कैसे जानिएगा इसमें, लेकिन इस पर फैसला जल्द लेना चाहिए, जो हो लेना चाहिए इसमें। तो ये अभी हाल के दिनों में जिस तरह से खेती को लेकर देखा गया कि कई जगह किसान की फसल बर्बाद होते रहे, बैंक लोन को लेकर सवाल खड़ा होता रहा, तो क्या इसको लेकर आपने कभी सरकार के पास सवाल उठाया? मैंने इसके लिए भी पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री को, कि लगातार 2020 में भी कोरोना काल के समय किसानों को भारी नुकसान हुआ, अभी आपका 21 में भी नुकसान होगा, हुआ आपका आपका चक्रवात वर्षा हुआ, यस जैसा आया तूफान वगैरह आया, तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो किसान को नुकसान हुआ है बता रहे हैं, जबकि किसान ही इस कोरोना काल में इकोनॉमी को भी कंट्रोल किया, आप बिना सब्जी के बगैर नहीं चलता, ठेला को कहीं ना कहीं लुक छिप के बेचा पुराई करके, तो किसान का बहुत नुकसान हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में जल्द से जल्द आकलन कर ले, 2020 में अगर आकलन हुआ है तो उनका राशि किसान को जल्दी पहुंचे, अभी जो नुकसान हुआ है उसको भी उसको आकलन करा के किसान को मुआवजा दिया जाए। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ में आपका कृषि मंत्री भारत सरकार तोमर साहब को भी चिट्ठी लिखा है कि विशेष पैकेज आप किसानों को उपलब्ध कराएं, और हमने आग्रह भी किया किसानों के बारे चिंता निश्चित रूप से करना चाहिए, किसान को अब ऐसे हालत में नहीं छोड़ा जा सकता है। साथ साथ में जो सरकार 9 लाख लोगों को कृषि मैंने उनको जो लोन माफ़ करने की बात माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी ने सदन में घोषणा किया, इसमें विशेष कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ रहा है, जैसे एनपीए में जो एक किसान जिनका अकाउंट एनपीए हो गया है तो वैसे किसानों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए ये जो एनपीए में जिसका अकाउंट है एनपीए खाता धारी लोगों के साथ भी उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश सरकार को देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका अगर ये एनपीए से संबंधित अगर सरकार कुछ दिशा निर्देश नहीं देती है तो इससे नुकसान होगा किसानों को, और किसान को नहीं इसका लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हमने आग्रह किया है और हम इसके पत्र भी हम
लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आप ही के पार्टी के हैं तो उनको तो बोलना, हम बोले हैं बोला ही जा सकता है, बोला ही जा सकता है। अब तो ऐसा बोल रहे हैं लग रहा है कि सुना नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, मेरी बात तकलीफ थोड़ा होता है, मेरी बात सुनने का क्या बात। हम लोग जो काम कराते हैं, जो काम जनता के हित में, तो हमारा बात तो सुनाना ही पड़ेगा, चाहे कोई रहे, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जनता, हम पर्सनल आपको मैं किस तरह का नहीं कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब थोड़ा होता है तो, चूँकि इससे सरकार की छवि खराब होती है, तो अपनी पीड़ा को मैं आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का काम कुछ सुने जाए करके, बादल जी जरा सा इसको एनपीए वाला मामले में दिशा निर्देश वगैरह करे, इस आपका राजस्तरीय बैंकर समिति वालों के साथ बातचीत करे, बैंक में जो रहा किसानों के साथ में, जो अभी काम कोविड के चलते बहुत स्लो हुआ है, लेकिन बैंक तो खुला था, वो सबको और तेज़ी लावे उसमें, उसका हो, ये चीज़ें को उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आपको एक सुझाव भी दिया कि भाई यहाँ राज्य के जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका मेमोरियल पार्क बनाया जाए, जितने भी पूरे प्रदेश में आंदोलनकारी लोग हैं, जो इसके जो शहीद हो गए, उसका मेमोरियल पार्क वगैरह बने हर शहर में, की एक जगह एकदम पूरा मेमोरियल, बहुत भव्य स्तर पर जेल बन रहा है मेमोरियल पर, जो शहीद हुए हैं उनके लिए, हमका जो झारखंड आंदोलनकारी आंदोलन के में, उसके लिए प्लस हमने यहाँ धूमकुड़िया को और विशेष रूप से यहाँ जो मोरा करमटोली में के मोराबादी में जो धूमकुड़िया बनना है, केंद्रीय धूमकुड़िया, तो उसके बारे में कहा है कि बिल्कुल यहाँ की संस्कृति परंपरा और बौद्धिक रूप से विकसित विकास के लिए यहाँ के लोगों के, ट्राइबल लोगों के लिए एक उसका केंद्र बिंदु यहाँ बनाना चाहिए, जहाँ से ना केवल वो आवास रहे, लेकिन वहाँ से सारे चीज़ उनके जितने भी कल्चर परंपरा संस्कृति जो चीज़ हो, मैंने वहाँ देखे देश से लोग आए और वहाँ एंट्री करे तो आदिवासियों के परंपरा संस्कृति ये सारा चीज़ का महक उसमें आना चाहिए, और वहाँ के साथ साथ कुछ ज्ञान की चीज़ों जैसे चीज़ अनुसंधान वगैरह भी, उरांव मुंडा हो, खड़िया संथाल प्रिमिटिव ट्राइब, इनका अनुसंधान हो, माने ये गैर सरकारी संस्था हो पूरा, और लोग ही इसका संचालन करें, जैसे आपका गुरुद्वारा चलता है, जैसे आपका अजुमन चलता है, हाँ, तो उस तरह से यहाँ से पूरा वहाँ हो, सारे चीज़ों को वहाँ अनुसंधान हो, और समय समय पर सरकार को आईना भी दिखाता रहे पूरा, माने एक ट्राइबल का जो लोगों का जो चिंताएं हैं वो चिंताएं वहाँ पर आवे, और ये चिंता सरकार तक पहुँचे, चाहे TRI को दे, चाहे TCDC को दे, सरकार को दे, TAC को दे, क्योंकि नीचे तबके के लोग ऐसे ही, जैसे आपका दिल्ली वगैरह में इस्लामिक कल्चर सेंटर है, तो उसी प्रकार यहाँ पर ट्राइबल कल्चर सेंटर, जहाँ सारा JPSC हो, UPSC हो, बैंकिंग, रेलवे, सबका पूरा वहाँ पर ट्रेनिंग हो, पूरा वहाँ कोचिंग हो, वहाँ पर सेमिनार वर्कशॉप सारा पूरी चीज़ें हो, यहाँ का रीति रिवाज परंपरा सबका पूरा किताब, तो ये चीज़ों को हमने कहा है मुख्यमंत्री जी को समझाने पर, मुख्यमंत्री जी हमको थोड़ा इस पर प्रस्तावना के रूप में कुछ ब्लू प्रिंट हमको कहें कि तैयार करने के लिए हम बना गए। आप बोल रहे हैं मेमोरियल बनाने, पार्क बनाने, अभी कल जो बिरसा मुंडा की शहादत दिवस थी, अखबार में खबर आई, हम भी वहाँ पर गए थे उलियातू में, तो देखे कि उनका जो वंशज है घर से 500 मीटर दूर गड्ढा से पानी निकाल के पी रहा है, उनकी पड़पोती सब्जी बेच रही है, उनका जो सुखराम का बेटा का नौकरी दिया गया वो पीउन का है, अधिकारी को पानी पिला रहा है गिलास में। तो जब ये स्थिति नहीं बदली, आपके क्षेत्र के जैसे बुधू भगत हैं, उनके वंशज को आज तक घर नहीं मिल पाया, तो जब ये मूल चीज़ जो चाहिए वो तो नहीं मिल पाया ना आज। नहीं, उनके वंशज को, बुधू भगत को सिलगाई में घर दिया गया है, लेकिन
लिए नहीं है वो लोग, वो लोग आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से मिल रहा था तो वो लोग बोले कि बड़ा चाहिए, लिया है उसको, वो लोग लिए हैं, अभी हम कल परसों जा भी रहे हैं, कुछ लोग तैयार भी किए हैं, उनका गृह प्रवेश में भी जाऊंगा मैं। अच्छा। दिया गया जो दिया गया उसको, हाँ, लेकिन उसको और कुछ करना चाहिए, सचमुच नहीं किया गया। और कल का जो भगवान बिरसा मुंडा का परपोती वाला परपोता वाला जहाँ मामला है, ये बात आई है आप लोगों के माध्यम से, आई है अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो सरकार हमको लगता है कि इसको संज्ञान में लेगी और निश्चित रूप से ऐसे चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर मैंने उसको करना चाहिए। ये चीज़ें अदरवाइज क्या है कि केवल आपका दिवस तक ही सीमित रह जाएगा, इसलिए सरकार को इसमें संज्ञान में लेकर के वहाँ के संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उस पर काम कराने की दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। सवाल चाहेंगे, छोटा सा जवाब दीजिएगा, अगर आप डिसीजन मेकिंग में रहते तो जेपीएससी को लेकर क्या निर्णय? मैं तो इसका शुरू से ही किया था, ये जो गलत हो रहा है, मैं ही तो विरोध किया था, ये गलत हो रहा है, हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, उनसे मिला भी था। सवाल है कि आप करते? नहीं नहीं, हम तो सुझाव ही दे सकते हैं ना, करना तो उनका काम है। आप रहते डिसीजन मेकिंग में? नहीं, हम डिसीजन रहते तो तब रहते तो का बात है ना, तो रहते तब तो फिर हम जो हम चाहते जो हुआ। अधिकारी पर आपने लिखा है कि कार्रवाई करने, निश्चित रूप से होना चाहिए कार्रवाई, पूरा होना चाहिए पूरा। हम तो जेपीसी का आंदोलन कोई नया नहीं, हम तो बाबा उसके चलते हम जेल भी गए उसके चलते, तो इसलिए ये जो गलत है पदाधिकारियों को होना चाहिए कार्रवाई, मजाक बना कर रखा है क्या स्टेट को, ठीक नहीं है, तो इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी पदाधिकारी, बड़ा बड़ा पदाधिकारी, आईएएस पद जो गलती है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तब सुधरेंगे यहाँ पर। दूसरा सवाल, आप डिसीजन मेकिंग में रहते तो रोजगार को लेकर क्या करते, जिस तरह से युवा सवाल? देखिए, फिर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैं रहता भी, अगर मैं कहूँगा ये करूँगा वो करेंगे ये ठीक बात है, रहता तो आप लोग देखते, अब नहीं है तो उस पर क्या हो कीजिएगा, अब रहते तब ना हम बोलेंगे अभी नहीं हमारा रहता तो ऐसे कर दूंगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, तो ये बेकार होगा। रहते और जब रहेंगे कभी तो देखा जाएगा उसमें। तो ऐसे सुझाव जो मुख्यमंत्री को आप देना, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव का, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सलाहकार लोग हैं और समय समय पर जो सुझाव होगा उसको हमको लगता है ये सुझाव अखबार या चैनल के माध्यम से नहीं होना चाहिए, जो हुआ चूँकि बात होता है, जब कभी मैं अगर मीडिया ट्रायल टाइप का सुझाव देना उचित नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनते ही हैं, जब कभी भी होता है और उनका व्यस्तम समय में भी मिल लेते हैं, तो हम जाके अगर सुझाव देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आज हमने सुझाव दिया, ये बात को सारा बता दिया, लेकिन अभी हम ये सुझाएंगे, आज ही गए तो हम सुझाव देंगे, तो ये शायद ठीक नहीं होगा। ये थे बंधु तिर्की, जिन्होंने तमाम मसलों पर बात की और बताया कि किस तरह से रूपा तिर्की जेपीएससी टीएससी और किसानों के मसले को लेकर ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे और तमाम अपनी बातें उनके सामने रखा है। सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप रांची। द फॉलो अप डॉट इन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।